हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। थोड़ा डिले वीडियो आ रहा है। बोर्ड एग्जाम का भी अभी सभी स्टेट में ऐसा हाल है कि आप लोग देख रहे होंगे कोविड 19 का जो सिचुएशन बना है, तो सभी बोर्ड एग्जाम्स आगे पोस्टपोन हो गए, आगे खिसक गए। CBSE बोर्ड ने तो 10th क्लास का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया, 12th का भी थोड़ा आगे बढ़ गया। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, 12th का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, भले थोड़ा डिले होगा। और ख़ासकर आप लोगों को मेरा सजेशन है कि आप अपने प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव लेवल में ले जाके करिए, क्योंकि 12th एग्ज़ाम का उतना सिंसियरिटी नहीं रहा इस साल कि कैसे भी एग्ज़ाम हो जाएगा, किसी भी मोड में हो जाएगा और आप 12th पास हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपका जो करियर बनना है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बनना है। या तो आप IIT, NEET, NDA जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकालेंगे उसके बेस पर ही आपका भविष्य बन पाएगा। इसलिए आप अपने पढ़ाई के तरीके को बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पर भी फोकस करिए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं निश्चित समाकलन का 8th पार्ट। और आज के पार्ट में जो मैं निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आज के पार्ट में पढ़ाऊँगा वह डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्पेशल केयर करके इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसी तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। देखिए तो आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन का पैटर्न है कंप्लीट, ये हमारा क्वेश्चन है 0 to π/2 sin x - cos x, 0 to π/2 sin x - cos x अपन 1 + sin x * cos x, 1 + sin x * cos x = 0। यह प्रूफ करना है, यह प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमसे सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, एक बार क्वेश्चन को लिख दिया, sin x - cos x अपॉन 1 + sin x * cos x dx, ये dx ना इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इसमें हम लगाते हैं प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ a - x वाला प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 to π/2 sin π/2 - x - cos π/2 - x अपॉन यहाँ पर भी 1 + sin π/2 - x * cos π/2 - x dx, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। क्लियर? ये क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड साइड के बजाय आई इक्वल टू करके लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में उसको सोच इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन को आई इक्वल टू करके लिखो, ये आई के इक्वल है, ये क्वेश्चन भी हमारा आई है सपोज, ठीक है, हमने आई इसको सपोज कर लिया, तो आई इक्वल टू करके लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें प्रॉपर्टी हमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दें, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना, sin 90 - θ cos θ होगा, ये साइन हो जाएगा, सब साइन कास बन जाएंगे, कास साइन बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, इसमें सब एडजस्टमेंट पर बेस्ड है। ये हो जाएगा cos x - sin x अपन 1 + cos x * sin x dx, ये देखो दैट इक्वल। अब यदि हम ऊपर से न्यूमरेटर से अंश से यदि माइनस को कॉमन निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन में sin x - cos x है, तो ऊपर से यदि हम माइनस को कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 0 to π/2 cos x - sin x हो जाएगा, माइनस उसको पहले लिख लेते हैं अपन, ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin x - cos x / 1 + cos x * sin x dx। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये आई के इक्वल हो गया, यही हमारा क्वेश्चन है, आई है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ये कंप्लीट माइनस आई होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 2i = 0, देयरफॉर i = 0
ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये अलग टेक्निक के क्वेश्चन हैं, आज जितने क्वेश्चन बताऊंगा वो सब इसी टेक्निक के क्वेश्चन हैं जहां आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आई या कुछ भी आई के फॉर्म में वो क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और आज हम इसी पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सभी पैटर्न इसी तरह के होंगे, कहीं पर जीरो प्रूफ करना है, खासकर इसमें जो पाई बाई टू और पाई बाई फोर, पाई बाई टू और पाई बाई फोर प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाई बाई ट्वेल्व। क्लियर? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरह का। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कंप्लीट फोकस कर रहा हूं अपने क्लास को। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स, ये भी प्रूफ करना है। जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, लॉग टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमको जीरो प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में भी हम ले लेते हैं आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स, ये हमने क्वेश्चन को ले लिया। दैट इक्वल, देखो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाएं अपन, ज़्यादातर क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगेगा ए माइनस एक्स वाला। तो जीरो टू पाई बाई टू ये हम लिख सकते हैं लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, दैट इक्वल इसको यहाँ पर दे दो रिलेशन नंबर फर्स्ट, दैट इक्वल जीरो टू पाई बाई टू लॉग, ये हो जाएगा टेन का क्या हो जाता है काट, ये हो जाएगा काट एक्स, काट एक्स डी एक्स, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। साइन कास वाले क्वेश्चन में वहाँ पर आई क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर टेन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एक टेन बन गया दूसरा काट बन गया। अब सॉल्व करने के लिए हमको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा, ये भी आई के इक्वल है तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, ठीक है। देयर फॉर फर्स्ट एडिंग सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड को पहले के साथ दूसरों को जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे अपन, देखो ये हो जाएगा टू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और यह होगा लॉग टेन एक्स प्लस लॉग काट एक्स डी एक्स, ये कंबाइन हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए टेन एक्स और काट एक्स। अब हमको फार्मूला पता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग का फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर, दैट इम्प्लाइज ये होगा टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, तो लॉग टेन एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स, दैट इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग अपन एक्स इंटू काट एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि काट एक्स को हम वन अपन टेन एक्स लिख सकते हैं, तो टेन एक्स इंटू काट एक्स कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, तो हो गया लॉग वन डी एक्स, और लॉग वन क्या होता है जीरो, दैट इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू ये पूरा जीरो हो गया, देयर फोर आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि लॉग वन जीरो होता है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर? इस तरह से देखो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर आई क्रिएट होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न हैं, इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम करेंगे, इसमें से एग्जाम में आना 100% डिसाइडेड है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसमें। अब जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमको मान ज्ञात करना है, इसमें प्रूफ नहीं करना है, इसका इवेल्यूट मान ज्ञात करो। इसमें हमको मान ज्ञात करना है, तो i के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम i के इक्वल ही सपोज करते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई बाई टू वाले पूरे क्वेश्चन में आपको वही प्रॉपर्टी यूज करना है, दैट इक्वल ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स दैट इक्वल 0 टू पाई बाई टू। अब यह कॉस का क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड जैसे भी 10 वाले में ऐड किए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पर हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, ये है कॉस स्क्वायर एक्स और ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों को ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये होगा दैट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या 1 हो जाएगा, तो 1 डी एक्स दैट इम्प्लाइज 2i। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये x हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर लिमिट पुट अप कर दें तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0। अब 2 किधर ट्रांसफर कर दें तो i इक्वल टू पाई बाई 4, ये आंसर होगा। क्वेश्चन प्रूफ करने वाले फॉर्म में भी आ सकता है, और ई वैल्यूड मान ज्ञात करो करके इस प्रकार से इसका मान कितना हो गया पाई बाई 4। बस जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये पाई बाई 4। इसको सिद्ध करो करके भी पूछा जा सकता था, सिद्ध करो इसका मान पाई बाई 4 है करके। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, सभी क्वेश्चन में हम वही काम कर रहे हैं और वो हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो अपने आप को राइट साइड में देखो, कहीं इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसके पहले मैं जो आपको बताया था मार्ड वाला, वो इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी हमको मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई वैल्यूड, इसका मान है अमेरिकन इंग्लिश में डबल वावेल यूज नहीं होता, ये ब्रिटिश इंग्लिश में, ये दोनों स्पेलिंग सही है। चलिए ये क्वेश्चन है 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और यहाँ पर साइन कास्ट नहीं, अभी तक जितना क्वेश्चन आप देखो उसमें साइन कास्ट था, ये साइन कास्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा, इसमें भी a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी ही यूज़ होगा। इसके बाद क्या करेंगे देखो, इसको हम i के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले यह क्वेश्चन हमारा i इक्वल टू हमने सपोज कर दिया, इसको दे दिया रिलेशन नंबर फर्स्ट दैट इक्वल, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करो 0 टू a, तो हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस एक्स, इसको a माइनस एक्स लिख लेंगे, अपॉन ये भी हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ, हम s के जगह में a माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, तो a माइनस यहाँ भी हो जाएगा a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स पुट अप करेंगे, ये dx एक्स दैट इक्वल, आगे इसको सॉल्व करें 0 टू a, ये हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस एक्स अपन, ये होगा रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर a कैंसिल आउट में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ x, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों साइड को अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देते हैं एडिंग 1 प्लस 2, तो राइट साइड में i प्लस आई 2i हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 टू a, और ऐड क्या होगा देखो एक बार इसका पूरा वैल्यू को मैं पुट अप कर देता हूँ, रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x प्लस, ये होगा रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x डी एक्स दैट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू देखो 0 टू a। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी है, तो दोनों कैल्शियम कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा
रूट एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स, यहाँ पर ये कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा केवल रूट एक्स और प्लस यहाँ से बचेगा ये रूट ऑफ ए माइनस एक्स। दैट इम्प्लाइज 2y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, देखो जो अंश में वही हर में है, दोनों कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा dx। दैट इम्प्लाइज 2y इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन x 0 टू a, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा a, तो i इक्वल टू a बाई टू, इस प्रकार से यहाँ पर i का वैल्यू निकल जाएगा a अपॉन टू, ये इसका आंसर होगा। ओके इसका आंसर आया a बाई टू। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे कि पूरे क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना होता, बस वो प्रॉपर्टी लगाना है, सावधानी से वर्क करना है, उसके बाद आंसर आपको मिल जाता है। तो ये सब इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यही एक पार्ट थोड़ा रुका हुआ था और बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा रैपिड में पढ़ा दूँ, एग्ज़ाम डिले भी हो गया है तो हम कोर्स को कंप्लीट भी कर पाएंगे, क्योंकि सारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ न कुछ आगे बढ़ गए। अब CBSE ने तो 1 जून को, जनरली मेरा फोकस CBSE पर रहता है, CBSE के ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ मैं अपने कोचिंग के भी, जो बच्चे थे जो ऑफलाइन आते थे, तो अब वो 1 जून को तो समीक्षा होगी उस पर एग्ज़ाम के लिए, 1 जून को, अभी अप्रैल है, पूरा मई, 1 जून को समीक्षा होगी, फिर आगे कब होगा तो जुलाई चले जाएगा, तो बहुत डिले हो गया, लगभग सारे स्टेट बोर्ड में भी यही होने वाला है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिले भी हो गया तो मैं कोर्स को आपका कोशिश करूँगा कि समय रहते पूरा कर सके, ऐसे भी हमारा टारगेट नेक्स्ट IIT JEE के लिए हमको तैयार होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई बाय 4 प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पेटेंट क्वेश्चन है, जिसमें पाई बाय 4 प्रूफ करना होता है, तो कुछ पाई बाय 4 प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वहाँ पर पाई बाय 4 प्रूफ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें पाई बाय 4 प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट सिद्ध करो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, ये हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है इतना इक्वल टू पाई बाई फोर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सपोज कर लेते हैं लेट आई इक्वल 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स, थोड़ा कर्सिव लिख दे रहा हूँ तो समझ जाओगे ना, थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे उतना तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ 10, इसको हम लिख सकते हैं क्या पाई बाई टू माइनस एक्स, ये होगा, और अपन इसको लिख सकते हैं रूट 10 पाई बाई टू माइनस एक्स, और प्लस इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ काट पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अपन अप्लाई करें तो दैट इक्वल ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, ऊपर का 10 काट बन जाएगा, तो रूट ऑफ काट एक्स अपॉन रूट ऑफ यह भी काट बन जाएगा रूट ऑफ काट एक्स और प्लस रूट ऑफ ये बन जाएगा 10 एक्स डी एक्स, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसका दे दो रिलेशन नंबर सेकंड। सब में वही काम हो रहा है, देख रहे हो पैटर्न, पूरे चैप्टर के पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम है, तो 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दें तो ये i + i 2i हो जाएगा, और ये 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पर ध्यान रखना मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ दोनों को, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी जो हर है वो ये है, और यहाँ पर भी जो हर है वो वही चीज़ है, तो हर उभयनिष्ठ हो जाएगा, इस तरह से हम हर को डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हो जाएगा रूट ऑफ काट एक्स प्लस रूट ऑफ टेन एक्स, और हर में क्या हो जाएगा, फिर हर भी अंश भी आपस में जुड़ जाएंगे,
पंस भी आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x। देखने बस का था, क्वेश्चन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जैसा बनाए वो भी वैसी है। दैट इक्वल, ये हो गया आंसर, बराबर हो गए। तो 0 to π/2 यहाँ पर क्या बच गया ओनली dx। दैट इम्प्लाइज 2y = ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद ये x 0 to π/2। अब यहाँ पर देखो ये 2y है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 माइनस 0, मतलब क्या मिल जाएगा अपने को π/2। दैट इम्प्लाइज i = 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो π/4 ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, कुल मिला के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस आपको एक पैटर्न को पकड़ना है कि सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो π/4 वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, और बहुत से क्वेश्चन हैं लेकिन आप उनको बना सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिसमें हमको प्रूफ करना है π/12। इसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने से ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन में π/4 प्रूफ करना है उनको आप अच्छे से तैयार करना, वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा। और सबका बनाने का पैटर्न ऐसे ही होगा, एक बार क्वेश्चन को लिखो, उसको पहला इक्वेशन दो, उसके बाद π/2 माइनस ये वाला π/2 - 1, ये साइन है, ये टेन है, कास है, सेक है, कोसेक है, कुछ भी हो सकता है। पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यहाँ पर आपको दे सकता है, और सब में π/4 ही। इसके जगह साइन लिख दूँ तब भी π/4 प्रूफ होगा, इनके जगह कास लिख दूँ तब भी π/4 प्रूफ होगा। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन किया कि 100 क्वेश्चन किया, सवाल यह है कि आपने उस पैटर्न का क्वेश्चन तैयार किया कि नहीं। तो जितना पैटर्न मैं बता रहा हूँ, यदि उतना पैटर्न आप तैयार कर लेते हैं तो और उस पर उस टाइप के दूसरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आप 100% तैयार हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट π/6 to π/3 1 upon 1 plus root of 10x dx = π/12। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको नयापन क्या दिख रहा है, नेचुरली यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इसमें जो लिमिट दिया हुआ है, यहाँ जो लिमिट दिया हुआ है उसमें खास बात है π/6 और π/3, मतलब लिमिट a टू b वाला कंडीशन है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, लास्ट प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से, लिमिट a प्लस b माइनस x, फंक्शन ऑफ a प्लस b, ऐसा होता है, फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं अपन लिमिट को। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो π/3 + π/6, देखो π/3 + π/6 किया जाए तो 6 यहाँ पर एलसीएम आएगा, तो आएगा 2π + π, मतलब 3π/6, मतलब ये कितना हो जाएगा π/2, ये π/2 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में नया बात है कि जब दोनों ऐड हो जाएंगे π/3 और π/6, तो π/3 और π/6 ऐड होकर फाइनली क्या बन जाए π/2, और हम प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न में चले जाएंगे, ओके। तो चलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो काम तो ही करना जो अपने को करना है, पहले किया है i = ये लिख लिया π/6 to π/3 1 upon 1 plus root of 10x dx = अब हम ये प्रॉपर्टीज में लगाते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद प्रॉपर्टीज में लगा दिया जाए वही प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी तो वही रहेगा, ये लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/3, और ये हो जाएगा 1 upon 1 plus root of 10, और x के जगह में लिख देंगे अपन π/3 + π/6 - x dx, ओके। i = अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 dx upon 1 plus root of, ये हो जाएगा 10
पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, मैंने बताया आपको पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। दैट इक्वल पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री डी एक्स अपॉन वन प्लस रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा काट एक्स डी एक्स। ओके, इतना करने के बाद इसको दे दो रिलेशन नंबर सेकंड, ये रिलेशन नंबर सेकंड है। देखिए अब जैसे हम बाकी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं वैसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो पहला रिलेशन क्या है हमारा, ये पहला रिलेशन है, ये पहला रिलेशन जो क्वेश्चन है, तो आई प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा टू आई हो जाएगा। दैट इक्वल ये हो गया पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पर आप देखो नीचे में, अच्छा इसमें तो अब एक में एक तो टेन है एक में काट है, एक में टेन है एक में काट है, तो ये सीधा ऐड नहीं हो पाएगा, साइन कास में इसको हमको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम साइन कास में चेंज कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर दो काम कर सकते थे, सुनो ध्यान से, एक काम हमको क्या कर लेना था कि ये जो टेन है इसको साइन कास में यहाँ से चेंज कर लेना था तो दूसरे रूप में आता, या नहीं कर पाए हैं तो अब दोनों को ऐड कर दो फिर साइन कास में अपने को चेंज करना पड़ेगा तभी ये साल होगा, क्योंकि हम दोनों को एक साथ यहाँ पर नहीं कर सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस रूट ऑफ टेन एक्स प्लस, ये हो गया वन अपॉन वन प्लस रूट ऑफ काट एक्स डी एक्स। क्लियर, अब इसको हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, दैट इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री वन अपॉन, ये है वन प्लस रूट ऑफ टेन एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कास एक्स प्लस, ये वन अपॉन वन प्लस काट एक्स है तो रूट ऑफ ये हो जाएगा कास एक्स अपॉन साइन एक्स। ये काम हम इंटीग्रेशन के पहले भी कर सकते थे और इंटीग्रेशन के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स को बाद में लिख लूँगा, कास एक्स रूट कास एक्स सेल्सियम आएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो गया रूट ऑफ कास एक्स, और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ कास एक्स रूट ऑफ कास एक्स, आसान है आगे कुछ नहीं बस सॉल्व करना है, और प्लस ऐसी साइन एक्स ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स ऊपर चला गया, और यहाँ एलसीएम आके हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कास एक्स और ये डी एक्स। क्लियर, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, अब देखो दोनों ऐड होगा तो रूट ऑफ कास एक्स प्लस रूट ऑफ कास एक्स प्लस रूट ऑफ ये साइन एक्स, और अपान नीचे में भी वही होगा एलसीएम सेम वही आएगा रूट ऑफ कास एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर बराबर हो गए तो दोनों पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा केवल क्या एक्स, तो ये हो गया टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, यहाँ हो गया ओनली डी एक्स। दैट इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एक्स और पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, टू आई इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इम्प्लाइज टू आई इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स एलसीएम आएगा और टू माइनस पाई तो आएगा सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई बाई सिक्स, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू टू इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो पाई बाई ट्वेल्व, ये प्रूफ हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ पर देखो ये साइन कास में चेंज करने का काम आप इंटीग्रेशन के पहले भी कर सकते हो इंटीग्रेशन के बाद भी कर सकते हो, दोनों तरीका सही है, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपसे बन जाएंगे, वो है एक मास्टर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन को बना सकते हैं और ये यूनिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कभी भी आएगा तो सिक्स मार्क्स के लायक आने के लायक क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूँ पूरे डेफिनिट इंटीग्रेशन का, पूरे डेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा है, तो ध्यान से समझना, इसमें हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट जीरो टू पाई बाई टू लाख साइन एक्स डी एक्स, क्वेश्चन रेड में लिख देता हूँ,
जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर बेस नहीं लिखा रहेगा, मतलब समझ लेना वो नेपेरियन लॉग है। इक्वल हमको प्रूफ करना है जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर होता है और ऑलरेडी ये बराबर होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ये तीन चीज, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, इसके इक्वल टू ये होता है और दोनों इक्वल होते हैं माइनस पाई बाई टू लॉग टू के। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है, इसकी सहायता से आपको बहुत से क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। आप बहुत से क्वेश्चन को इसी पैटर्न पर सेम टू सेम बना सकते हैं और इसको कई जगहों में आर्टिकल की तरह यूज़ कर सकते हैं। माने इतना इसका रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए कि माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है। यह आईआईटी जेई में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चाहे लॉग साइन एक्स हो चाहे लॉग कॉस एक्स हो, उसका वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आई इक्वल टू ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू लॉग, ये हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये होगा। और दैट इक्वल ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये रिलेशन नंबर सेकंड, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये वाला पोर्शन तो यही प्रूफ हो गया कि हम लॉग साइन एक्स कॉस एक्स लिए थे, लॉग कॉस एक्स डी एक्स में प्रूफ हो गया, तो ऐसे ही दिख रहा है तो इसके इक्वल इतना हो जाता है। मेन है वो प्रूफ करना, तो इसके इक्वल ये प्रूफ हो गया, क्लियर। अब दोनों प्रूफ हो जाने, दोनों साइन कॉस एक साइन एक कॉस हो जाने के बाद हम दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये हो गया लॉग साइन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो लॉग एम इंटू एन से लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा, लेकिन साइन टू एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। इस हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें लॉग टू, इसमें लॉग टू क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और लॉग टू इसमें माइनस कर देते हैं, वही बाद में लॉग टू हमको मिलेगा। तो लॉग टू हमने ऐड कर दिया और लॉग टू सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो देयर फॉर टू वाई इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू और लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये तो तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं लॉग टू, लॉग टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक साथ लिख सकते हैं तीनों को, और ये हो जाएगा माइनस लॉग टू ये पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स, क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन टू एक्स, लॉग साइन टू एक्स का फार्मूला है, ठीक है। तो देयर फॉर टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग साइन टू एक्स और माइनस लॉग टू डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर लिया जाए तो दैट इक्वल, इसको अलग कर लें हम तो हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स माइनस, ये तो कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस लॉग टू को मैंने बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होगा और पाई बाई टू, ठीक है। तो उसको हम लिमिट को पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख ही देता हूँ उसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा एक्स और जीरो टू पाई बाई टू, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउ पुट, यहाँ पर पुट करते हैं टू एक्स को थीटा, टू एक्स को थीटा पुट करेंगे, या डी एक्स ना, उसमें डी एक्स नहीं रहेगा, तो टू एक्स को थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई टू। तो देयर फॉर हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चला जाएगा, देखो ये टू वाई इक्वल, अब यहाँ पर लिमिट चेंज होगा, यदि एक्स इक्वल टू क्या रखें हम, जीरो रखें तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, और यदि हम एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रखें यहाँ पर तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, तो जीरो टू पाई हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा लॉग टू एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, थीटा, तो लॉग साइन थीटा इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं डी थीटा बाई टू,
ये हो गया डी थीटा और सामने में 1/2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई टू बचेगा तो लिख लेंगे पाई बाई टू लॉग टू। ये स्टेप आया समझ में आप लोग को। ये इस पार्ट में मैंने क्या किया सब्सटीट्यूशन किया। इस पार्ट में सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये वाले पार्ट में 2s को हमने थीटा सब्सटीट्यूट किया और ये पोर्शन हमको मिल गया। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हम 2 डिवाइड कर दें तो लॉग साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा यही था पाई बाई टू लॉग। प्रॉपर्टी यूज़ कर दें अपन, सीधी सी बात है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ 0 to 2a वाला, तो 2i = 1/2। यहाँ पर देखो ये 0 to π है, यदि हम इसको 0 to π को 0 to क्या कर दें पाई बाई टू कर दें तो सामने 2 मल्टीप्लाई होएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ये होगा दैट इम्प्लाइज 2i = 2 यहाँ से कैंसिल आउट होएगा। 2 कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई टू और लॉग टू। अब आप याद रखो ये क्वेश्चन है, ये हमारा शुरुआत में क्वेश्चन है जो कि किसमें था x के फॉर्म में था और हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे शुरुआत में कि x को हम थीटा के फॉर्म में या दूसरे वेरिएबल में पुट अप कर सकते हैं। तो ये फिर क्वेश्चन बन जाएगा i, ये हो गया 2i = i माइनस पाई बाई टू लॉग टू। दैट इम्प्लाइज i को इधर ट्रांसफर करें 2i - i होगा और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ये इसका फाइनल आंसर है। यही चीज़ हमको क्या करना था प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया देखो, इसे प्रॉपर्टी लगा दिया cos x log a कैसबुक किया, समीकरण नंबर 2 एक और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर log 2 प्लस किया log 2 माइनस किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये क्यों किया, क्योंकि हमको इसको 2 sin x cos x बनाना था। क्यों बनाना था, ताकि हम उसको क्या लिख सकें sin 2x लिख सकें। इस प्रकार log sin 2x माइनस log 2, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन करने के बाद 2x को थीटा सपोज किया, ये पोर्शन आएगा और तब हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है जिसको हमने i लिखा और ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस तरह से मैंने आज पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना ही आपको पढ़ना है और आज का जो मेरा क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और तैयार करने हैं और ये सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से करिए, फिर आगे मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग लेके जल्दी प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। ओके, थैंक यू।